हाँ जी दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2019 के लिए मैथमेटिक्स के कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के बारे में जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं एंड आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और नॉलेजबल होने वाले हैं सो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से ले लास्ट तक जरूर देखिएगा एंड अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिए दोस्तों देखिए एग्जाम टाइम आ चुका है और एग्जाम आपका बहुत ही ज्यादा नियर हो चुका है तो ऐसे में दोस्त अगर इस वीडियो को आप शेयर नहीं करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात नहीं होती है ठीक है तो फटाफट इस वीडियो को शेयर कर दीजिए तो चलिए दोस्त अपने सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि साइन टू दावर सिक्स थीटा प्लस कॉस्ट टू दावर सिक्स थीटा प्लस थ्री साइन स्क्वायर थीटा इन टू स्क्वायर थीटा का मान होगा और यहां पे आप ऑप्शंस देख पा रहे होंगे तो अगर आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पता है तो फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितना आंसर इसका आया और नहीं आता है आपको तो हम आपको सिखाते हैं कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो देखिए दोस्त सबसे पहले तो जो क्वेश्चन दिया है वो आपको नोट डाउन कर लेना है कि साइन टू द पावर सिक्स थीटा प्लस कॉस्ट टू द पावर सिक्स थीटा प्लस थ्री साइन स्क्वायर थीटा इन टू स्क्वायर थीटा ठीक है अब करना क्या है चूंकि साइन टू पावर सिक्स थीटा है अगर मान लीजिए टू पावर सिक्स है तो आप उसको क्या लिखते हैं एक्स स्क्वायर का होल क्यूब या फिर एक्स क्यूब का होल स्क्वायर लिख सकते हैं लेकिन चूंकि यहाँ पे क्वेश्चन में हमको ए प्लस बी का होल क्यूब के रूप में कन्वर्ट करना है क्योंकि थ्री ए बी टाइप का कुछ है इसीलिए हम इसको साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब लिखते हैं ठीक है ठेके?

अब जरा रियलाइज कीजिए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी कोस्ट में ए प्लस बी ये किस चीज़ का फॉर्मूला होता है तो जाहिर सी बात है दोस्तों ए प्लस बी का होल क्यूब का तो इस रूप में जो है वो हम इस चीज़ को सजा लिए अब इसको हम ए प्लस बी का होल क्यूब लिख सकते हैं चूंकि ए हमारा है साइन स्क्वायर ठीठा और बी हमारा है कॉस स्क्वायर ठीटा तो साइन स्क्वायर ठीठा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब ये हम लिख सकते हैं अब आप जानते हैं दोस्तों आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जानते होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर थीटा की वैल्यू वन होती है तो वन का अगर क्यूब करेंगे फोर करेंगे टेन करेंगे तो वन ही आएगा क्योंकि वन को अगर वन की जो गुणा है वो एक हज़ार टाइम्स भी करेंगे एक में तो एक ही हमको वैल्यू प्राप्त होगी तो चूंकि ये वन का क्यूब है इसीलिए एक हमारा आंसर हो जाएगा तो हम देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इसकी वैल्यू जो हो होगी वो एक होगी तो आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा ठीक है दोस्त बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ये है हमारा कुछ इस टाइप का कि जब अंडर रूट थ्री साइन एक्स प्लस का मान महत्तम होगा तो एक्स का मान होगा क्या कह रहा है क्वेश्चन कि जब का मान महत्तम होगा तो एक्स का कौन सा मान होगा ठीक है यहाँ पे ऑप्शंस मान में दे दिए हैं तो देखिए दोस्त कई कई क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनमें ऑप्शंस के जरिए ही हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा मान महत्तम होगा सेम इसमें भी ऐसे ही करेंगे तो दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो इसे सॉल्व करके हमें कमेंट में फटाफट बताइए कि कितना आंसर आया और नहीं आता है तो चलिए इस क्वेश्चन को सीख लेते हैं कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हम इसमें ऑप्शंस के जरिए आंसर फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे सबसे पहले थीटा इक्वल्स टू तीस डिग्री लेंगे यानी कि एक्स इक्वल्स टू तीस डिग्री लेंगे तो जब x इक्वल टू तीस डिग्री लेंगे तो साइन तीस की वैल्यू कितनी होती है एक बटा दो तो चूंकि अंडर रूट थ्री जो है वो साइन एक्स में गुड़ा है तो अंडर उड थ्री इंटू वन अपॉन टू प्लस कॉस्ट तीस की मान होती है अंडर उड थ्री अपॉन टू जब इसका एलसीएम करके सॉल्व करेंगे तो हमारा केवल अंडर उड थ्री आएगा जिसकी वैल्यू वन पॉइंट सेवन थ्री टू होती है अब दोस्तों दूसरा हमारा ऑप्शन है एक्स इक्वल्स टू नाइन्टी डिग्री एक्स इक्वल्स टू नाइन्टी डिग्री हमपुट करेंगे तो अंडर उड थ्री साइन नाइन्टी डिग्री प्लस कॉस्ट नाइन्टी डिग्री तो अंडर रूट थ्री साइन नाइन्टी डिग्री की मान वन होती है तो अंडर रूट थ्री इंटू वन प्लस कॉस नाइन्टी डिग्री की मान जीरो होती है तो ये ज़ीरो हो जाएगी तो टोटल हमारी वैल्यू कितनी आई अंडर रूट थ्री इसकी भी वैल्यू हमारी वन पॉइंट सेवन थ्री टू एक दशमलव सात तीन दो होती है ठीक है तो इन दोनों का तो वैल्यू जो है वो सेम आई तीसरा जो है वो हमारा ऑप्शन है 60 डिग्री यानी कि x इक्वल्स टू सिक्सटी डिग्री रखेंगे तो हमारा अंडर रोड थ्री इंटू साइन सिक्सटी का मान अंडर रोड थ्री अपॉन टू होता है और कॉस सिक्सटी का मान एक बट्टा दो होता है तो जब इसे सॉल्व करेंगे चूँकि मैं इसको इस तरीके से नहीं बता रहा हूँ थोड़ा तेजी में बता रहा हूँ क्यों क्योंकि बट्टा का जोड़ आपको सोल्व करने ज़रूर आता होगा अगर नहीं आता है तो ये चीज़ें आपको पिछले क्लासों में सीख लेनी चाहिए थी ठीक है तो यहां पे आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा चार बटा दो जिसे अगर आप जो है वो डिवाइड करते हैं तो दो आपका आंसर आ जाएगा ठीक है तो ये कुछ तीसरी वैल्यू आई अब चौथी वैल्यू में एक्स इक्वल्स टू पैंतालीस डिग्री यानी कि लास्ट में हमारा है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि डी ऑप्शन है एक्स बराबर पैंतालीस डिग्री तो एक्स बराबर पैंतालीस डिग्री रख के भी चेक कर लेते हैं हम तो अंडर रूट थ्री इंटू साइन पैंतालीस का मान वन अपॉन अंडर रूट टू प्लस 45 का मान, under root two, जब इसे भी किसका मान सबसे है। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे कि ऑप्शन नंबर थ्री की वैल्यू और यही राइट वैल्यू है क्योंकि इन सब की वैल्यू एक दशमलव सात एक दशमलव समथिंग है लेकिन ऑप्शन नंबर थ्री एक्स इक्व टू सिक्सटी डिग्री पे इसका महत्तम मान प्राप्त हो रहा है जो कि दो है ठीक है तो हमारा ऑप्शन नंबर C जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि एक्स तो इक्वल होगा है ना ऑप्शंस के जरिए ही आंसर फाइंड आउट कर लेना है ठीक है तो इस क्वेश्चन पे दोस्तों एक लाइक like तो जरूर बनता है तो इस वीडियो को एक लाइक like जरूर दीजिएगा चलिए दोस्त अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि tan थीटा इक्वल्स टू -4/3 तो sin थीटा होगा और यहाँ पे आपको चार ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं तो चलिए अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है सॉल्व करने इस टाइप के क्वेश्चन को आता है तो उस फटाफट हमें सॉल्व करके बताइए कमेंट्स में कि कौन सा ऑप्शन सही होगा और अगर आपको नहीं आता है तो हम आपको इस चीज को सिखाते हैं तो चलिए दोस्त सबसे पहले हमको क्या करना है tan थीटा की वैल्यू हमको दी गई है -4/3 तो ट्रायंगल बना के हम सबसे पहले निकाल निकाल लेंगे लेंगे क्योंकि बराबर हमारा हमारा होता है 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 लंब लंब बटा आधार आधार तो तो की कर्ण की निकाल लेंगे, तो की 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 कि 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 दी दी और वो आएगा किस फॉर्मूले से पैथागोरस के फॉर्मूले से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस फॉर्मूले की सहायता से हम एच की वैल्यू निकाल लेंगे कर्ण की वैल्यू निकाल लेंगे अब दोस्तों हमारा क्या पूछा है कि साइन ठीटा की वैल्यू होगी ठीक है तो साइन बराबर आप क्या जानते हैं लंब बटा कण ये जानते हैं ना पॉल अपॉन हैपोटेनस तो पॉर कितना है फोर है और हेपोटेनस अभी अभी हमने कितना निकाला था फाइव तो फाइव निकाला था तो साइन थीटा बराबर फोर अपॉन फाइव हो जाएगा लेकिन चूंकि दोस्तों टेन तो थीटा बराबर माइनस फोर अपॉइन थ्री है इसीलिए ये इसका आंसर माइनस फोर अपॉइन फाइव भी हो सकता है तो यहां पे ऑप्शन में दो ऑप्शन दिए होंगे कि यहां पे पहला ऑप्शन दिया है माइनस चार बटा पांच लेकिन चार बटा पांच नहीं और दूसरा दिया है माइनस चार बटा पांच या चार बटा पांच तीसरा ऑप्शन दिया है चार बटा पांच लेकिन माइनस चार बटा पांच नहीं और इनमें से कोई नहीं लास्ट ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि माइनस चार बटा भी हो सकता है और या फिर चार बटा भी हो सकता है ठीक है तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर इसलिए हम ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे तो आई होप दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आपको अच्छे तरीके से आ गया होगा बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की तरफ इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा क्योंकि यह क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है एंड लॉगरिथम्स के एक दो क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम में हर साल देखने को मिलते हैं एक 2015 में तो दोस्त चार क्वेश्चन लॉगोरिथम का पूछा गया था सो so, लॉगोरिथम्स के चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सो so, इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व करना सीख लीजिए क्वेश्चन क्या है टू की पावर थ्री अपॉन लॉग एक्स बेस में थ्री है इक्वल्स टू वन अपॉन सिक्सटी फोर यानी कि एक बटा चौसठ का हल होगा और यहाँ पे आप ऑप्शंस देख पा रहे होंगे तो अगर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आता है तो सॉल्व करके हमें कमेंट्स में फटाफट बताइए कि इसका आंसर कितना होगा अगर नहीं आता है तो हम इसको आपको सिखाते हैं कि किस तरीके से इसको आंसर फाइंड आउट करना है तो देखिए दोस्त क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से है कि दो की घात तीन बटा लॉग एक्स आधार इसका थ्री है लॉग एक्स का ठीक है बराबर एक बटा चौंसठ ठीक है तो आपको करना क्या है कि इसको जो राइट हैंड साइड में एक बटा चौसठ है उसको भी आपको आधार में बदल देना है दो की आधार में ठीक है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में आधार कितना है दो है तो दो की घात तीन बटा लॉग एक्स बराबर दो की घात माइनस सिक्स टू की पावर सिक्स कितना होता है चौसठ लेकिन एक बटा है इसलिए टू की पावर माइनस सिक्स हम लिख सकते हैं अब दोस्तों आपने एक रूल पढ़ा होगा कि जब आधार बराबर होते हैं तो आपस में घात जो है वो बराबर हो जाते हैं तो घात कितना है हमारा तीन बटा लॉग एक्स बेस में थ्री है इक्वल्स टू माइनस सिक्स ठीक है घात बराबर हो गया अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो लॉग एक्स बेस में थ्री इक्वल्स टू थ्री अपॉन सिक्स लिख सकते हैं लिख सकते हैं ना तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस वन अपॉइंट टू आ जाएगा तो यहाँ से अगर आपने लॉगोरिथम्स का जो है वो प्रॉपर्टीज पढ़ा होगा तो एक्स की वैल्यू अगर फाइंड करना चाहें लॉग एक्स बेस में थ्री टू माइनस वन से तो एक्स की वैल्यू हमारी आ जाएगी थ्री की पावर माइनस एक बटा दो जो बेस में है वो आधार में चला जाता है और जो आधार में है राइट हैंड साइड में वो उसके घात में चला जाता है तो एक्स इक्वल्स टू तो माइनस सॉरी एक्स इक्वल्स टू तो थ्री की पावर माइनस एक बटा दो और किसी भी संख्या के ऊपर माइनस एक बटा दो या फिर एक बटा दो होता है तो एक बटा दो होता है तो इसका मतलब अंडर रूट होता है लेकिन माइनस के साथ है तो एक बटा में अंडर रूट जो संख्या आधार में है वो लिख देंगे तो एक्स इक्वल्स टू वन अपॉन, अपॉन अंडर रूट थ्री तो एक्स की वैल्यू एक बटा अंडर रूट तीन आई तो देखते हैं कि ऑप्शन में वाकई में ऐसी कोई वैल्यू दी गई है क्या तो बिल्कुल दोस्त यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सेटिस्फाई कर रहा है इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा तो है ना दोस्त इंटरेस्टिंग क्वेश्चन तो इस क्वेश्चन के लिए एक लाइक जरूर दीजिए चलिए दोस्त अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि ए माइनस बी इक्वल्स टू अंडर रूट टू एवं ए प्लस बी इक्वल्स टू थ्री तो फोर ए बी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होगा दोस्तों इस क्वेश्चन को देख के आई एम हंड्रेड परसेंट शो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको छोड़ देंगे कि बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है लेकिन इसके लिए हम हैं ना आपके साथ हम आपको बताएंगे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है तो बने रहिए इस वीडियो के साथ तो दोस्त यहाँ पे ए माइनस बी बराबर अंडर रूट टू है और ए प्लस बी बराबर अंडर रूट थ्री है तो अगर आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने आता है तो सॉल्व करके हमें बताइए फटाफट कमेंट्स में कि कौन सा ऑप्शन हमारा राइट है और ये भी बताइएगा कि इन पाँचों क्वेश्चन में से आपको कौन सा क्वेश्चन सबसे बेस्ट लगा एंड आपका कितना क्वेश्चन सही था तो चलिए दोस्त इस वीडियो को इस 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 वीडियो के माध्यम से से क्वेश्चन क्वेश्चन को सीख लेते हैं कि किस तरीके से इस का होगा। तो एक माने और ए प्लस बी बराबर रूट थ्री को समीकरण नंबर दो माने और दोनों को ऐड कर दें तो हमारा ए की वैल्यू निकल जाएगी ए की वैल्यू कितनी निकलेगी एक्वल टू अंडर रूट टू प्लस रूट थ्री अपॉन टू और उसके बाद अगर घटा दें इसको तो हमारी बी की वैल्यू निकल जाएगी समीकरण नंबर एक समीकरण नंबर दो को तो चूंकि यहाँ पे डायरेक्ट निकाल दिया है लेकिन मैंने आपको समझा दिया कि किस तरीके से और बी की वैल्यू निकालनी है तो बी की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो अंडर रूट थ्री माइनस अंडर रूट टू अपॉन टू ठीक है तो ए और बी की वैल्यू जैसे निकाल निकालेंगे उसके बाद हमारा कह रहा है कि फोर ए बी और ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आपको फाइंड करनी है तो चूंकि आप अगर फोर ए बी ए और बी का मान चूंकि इस तरीके से रख के अगर आप सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा जो है वो आपका लॉन्ग प्रोसेस लग जाएगा लेकिन आपको क्या करना है कि फोर ए बी और ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी कर दीजिए क्योंकि ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी और चूंकि प्लस टू ए बी आपने ऐड किया तो माइनस टू ए बी प्लस टू ए बी कट जाएगा तो हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही आएगा यानी कि वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ेगा ठीक है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 4ab और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं क्या 4ab और ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस टू ठीक है अब वैल्यू चलिए रखते हैं फटाफट तो 4 a की वैल्यू रख देंगे अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट अपॉन टू ठीक है और b की वैल्यू रख देंगे अंडर रूट और पूरे का बटा दो ठीक है अब ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी की वैल्यू ए और बी की वैल्यू रख के माइनस करके स्क्वायर कर देंगे प्लस टू ए की वैल्यू रख देंगे और बी की वैल्यू रख देंगे तो सबसे पहले फोर को सॉल्व करते हैं तो देखिए को अगर एक साइड रखिए ठीक है अभी फोर को जो है वो ऊपर ही रखिए अंश में और नीचे वाले दो और दो को सॉल्व कर लीजिए तो दो दो नीचे चार अब चार ऊपर वाले से चार नीचे वाला कट जाएगा यानी कि अंश और हर कट जाएगा अब ए प्लस बी और ए माइनस बी बचा यानी टू प्लस रूट थ्री और अंडर रूट थ्री माइनस रूट टू बचा तो ए प्लस बी ए माइनस बी इसे हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है इसकी वैल्यू तो तीन अंडर रूट तीन का स्क्वायर माइनस अंडर रूट दो का स्क्वायर तो कितना हो गया तीन में से दो गया एक तो इसकी वैल्यू खत्म मान लीजिए कि ये पूरा फोर ए बी सॉल्व होके एक आया एक आया ना तो एक आएगा तो इसके इसका अगर हम किसी में गुणा करेंगे तो वही हमारी संख्या प्राप्त हो जाएगी तो फोर ए बी का मामला जो है वो खत्म हो गया अब बचा हमारा ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी अब ए माइनस बी को दोस्तों हम अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा अंडर रूक टू आएगा आप सॉल्व करके जरूर देखिएगा यहाँ पे मैं मौखिक अगर बोलूंगा तो ज्यादा वीडियो लेट हो जाएगा और बोरिंग हो जाएगा ठीक है तो इसीलिए इसको सॉल्व कीजिएगा ए माइनस बी के स्क्वायर को तो ए माइनस बी को तो अंडर रूट टू आएगा तो चूंकि स्क्वायर है तो अंडर रूट टू का स्क्वायर प्लस टू और ए इंटू बी तो चूंकि जैसे फोर ए बी को आपने सॉल्व किया है वैसे टू ए बी को भी सॉल्व कीजिए तो टू ए बी को सॉल्व करेंगे तो बस अंतर यही आएगा कि एक बटा आ जाएगा फोर ए बी को सॉल्व किए हैं तो एक आया है और टू ए बी को सॉल्व करेंगे तो एक बटा आ जाएगा तो हम क्या करेंगे टू प्लस एक बटा दो यानी कि यहाँ पे ये मत घबराइएगा कि तीन माइनस दो क्या है तीन माइनस दो यानी कि एक और एक को तीन माइनस दो लिखा है कोई फर्क नहीं पड़ता है तो एक बाहर हो जाएगा और और ब्रैकेट के अंदर दो प्लस एक बटा दो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो टू प्लस वन अपॉइंट टू यानी कि दो दो नी चार और एक पांच बटा दो तो पांच बटा दो हमारी वैल्यू आ जाएगी पूरी फोर ए बी और ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की देखिए दोस्त इस वीडियो को केवल देखिए मत इस क्वेश्चन को यहाँ पे एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए और तुरंत इसको ऑन द स्पॉट सॉल्व कीजिए तभी इसको इस क्वेश्चन को जो है सॉल्यूशन करने आपको आएगा आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको सॉल्व कीजिए इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है क्योंकि अब एग्जाम जो है वो बहुत ज़्यादा नियर आ चुका है एंड इस वीडियो को अगर आप शेयर नहीं करते हैं तो दोस्त बहुत ज़्यादा जो है वो गलत बात है इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में ताकि आप आपके दोस्तों को भी इस वीडियो के माध्यम से फ़ायदा पहुंच पाए और ये वो भी जान पाए कि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस बताए गए हैं सारे आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं एंड सारे उनके लिए और आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ठीक है दोस्त तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा क्या सोचते हैं आप इस चैनल के बारे में धन्यवाद दोस्तों जय हिंद जय भारत